नमस्कार, स्वागत है आपका पैनोरामा टीवी पे। मैं हूँ श्रुति और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील गुप्ता जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के। आज हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे दिल्ली के बारे में। सुशील गुप्ता जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ वहाँ पे। जी नमस्कार। सुशील गुप्ता जी, हमने देखा कि कोरोना काल चल रहा है, काफ़ी लोगों को परेशानियाँ देखने को मिल रही है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है? दिल्ली सरकार ने कोरोना के अंदर हमेशा सारे दुनिया के अंदर बढ़ के काम किया है। आउट ऑफ द बॉक्स केजरीवाल जी ने सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने कहा कि आपके पड़ोस में कोई भूखा ना सोए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर ये इंश्योर किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से कि कोई भूखा ना सोए। जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो रोज़गार बाजार लगाया गया, एक ऐप डाउनलोड की गई जिस ऐप से लाखों लोगों ने, जिनको कारीगरों की ज़रूरत थी, जिनको अपने काम करने वाले कर्मचारियों की ज़रूरत थी, उन्होंने भी अप्लाई किया और जिनको काम की ज़रूरत थी उन्होंने भी अप्लाई किया और एक दूसरे को काम मिला। कोरोना के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अंदर पहला प्लाज्मा बैंक खोला और प्लाज्मा बैंक उसका अनुसरण अमरीका ने किया। होम आइसोल्यूशन का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में 80% बेड कोरोना के लिए रिजर्व कराए गए, कोरोना हॉस्पिटल बनाए गए, कोरोना के लिए बहुत काम हुआ है। आपने हमें बताया कि ये जो ऐप है जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है, जिनको रोज़गार चाहिए और जिनको नहीं मिल रहा है उनको लोग चाहिए, तो उनको मदद हुई है। आपको क्या लगता है कि ऐप बनाने से लोगों को रोज़गार मिला है? कितने लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया? क्योंकि अभी भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति जो है, कितने लोगों की जॉब्स चली गई हैं, कि ऐप बनाने से कितने लोगों तक रोज़गार पहुँचा? क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो सबसे निचला वर्ग है, जो लेबर क्लास जिसको कहते हैं, उनको अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ है। आजकल मोबाइल ऐप्स सभी के पास है, इससे फ़ायदा मिला। हमारे श्रम मंत्री सिसोदिया जी अभी सबसे नीचे वाली क्लास का रजिस्ट्रेशन पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। ऐसा नहीं को दिल्ली सरकार ने इसमें योजनाएं चलाई हैं कोरोना के दौरान जिससे बहुत लाभ मिले। इस ऐप से लाखों लोगों को मैं जानता हूँ कि जो लाभ लेने की जिन्होंने अप्लाई किया और कई हज़ार लोग इसके द्वारा रोज़गार ले चुके हैं। मैंने भी खुद, मुझे एक बार अकाउंट्स के लोगों की ज़रूरत थी, इस पर एडवर्टीजमेंट दिया और मुझे मिले वो जी। हमने देखा इस कोरोना काल में जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों जो काम है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी काफ़ी अच्छे से जो देखभाल की है, जो उनका आगे प्रचार किया है, उनको साफ़ सुथरा करा है एकदम। लेकिन जो हमने देखा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उन्होंने काफ़ी लूट मचा रखी है, तो दिल्ली सरकार क्या उस चीज़ के लिए कोई कदम उठाना चाहेंगे? दिल्ली सरकार शायद आपकी जानकारी में नहीं है, बहुत पहले ही कोरोना के लिए रेट फिक्स कर चुकी है। आईसीयू का रेट फिक्स है, रूम का रेट फिक्स है, वार्ड का रेट फिक्स है, उससे ज़्यादा कोई ले नहीं सकता। 10-12 हज़ार रुपये प्रतिदिन से ऊपर किसी का रेट नहीं है और दिल्ली सरकार इस बात को इंश्योर करती है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल अगर दिल्ली सरकार से तय किए गए रेट से फालतू लेगा तो उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दे। जी, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो अभी भी इस कोरोना काल से पीड़ित हो रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो अच्छे हॉस्पिटल्स में अपना मतलब दाखिला करवा सकें, अपना इलाज करवा सकें, तो उनका क्या करें लोग, वो लोग क्या करें? तो आज दिल्ली के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हैं, फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी दिल्ली सरकार ने 10% बेड गरीबों के लिए रिजर्व कर रखे हैं। कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल हो, 10% बेड वहाँ पे मुफ्त में इलाज करना पड़ता है और वो कोरोना के लिए भी रिजर्व है, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं और मिल सकता है जी। आम आदमी पार्टी जो है, जो 3 बिल आए हैं फार्म बिल्स, उसका विरोध करती हुई नज़र आई है, तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस दिन ये 3 अध्यादेश लेके आई थी बीजेपी सरकार, उस दिन से विरोध शुरू किया था। फिर बिल संसद में लाई, कानून बना, राष्ट्रपति जी के साइन हुए, तब तक लगातार इस पर विरोध सड़क से लेकर संसद तक जारी है। इन 3 बिलों के माध्यम से बहुत भारी नुकसान सबसे पहले तो उपभोक्ता का होने वाला है। उपभोक्ता, क्योंकि अनलिमिटेड भंडारण प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया है, फसल के समय पर ये लोग सस्ती फसल खरीद के उस पर भंडारण करेंगे और जब फसल मार्केट में नहीं होगी उस समय के अंदर
ये लोग महंगे रेट पे उपभोक्ता को सामान बेचेंगे, ये सबसे बड़ा नुकसान है जो आज किसान इस बात को समझ रहा है, परंतु आम उपभोक्ता को भी बात समझनी पड़ेगी कि अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर सारा अनाज स्टोर हो गया तो वो अपने रेट पे अपने प्रॉफिट पे बेचेंगे, गवर्नमेंट जो आज अनाज मुहैया करा रही है वो मुहैया कराने के अंदर दिक्कत आएगी। दूसरा बात है किसान का MSP का जो सिस्टम है, क्योंकि मंडी सिस्टम धीरे धीरे स्क्रैप हो जाएगा और MSP सिर्फ मंडी के अंदर मिलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना मिलने की वजह से बिहार का किसान आज भी दिल्ली हरियाणा पंजाब के अंदर मजदूरी करने के लिए आता है, फिर यहाँ के किसान को भी मजदूरी करने के लिए जगह जगह जाना पड़ेगा क्योंकि मंडी सिस्टम फेल करने का इस बिल के अंदर पूरा पूरा प्रावधान है। और तीसरा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान का कोर्ट में जाने का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। अगर किसान कोर्ट की बजाय पहले उसको SDM के जाना पड़ेगा, फिर DC के जाना पड़ेगा, आज अडानी अम्बानी जैसी कंपनियों से सरकारें घबराती हैं, तो SDM और DC बहुत छोटे लेवल के अफसर हैं, अगर वो फैसला करेंगे तो किसान को ये पूरा संदेह है कि वो किसान के हक में नहीं करेंगे, अडानी और अंबानी जैसे परिवारों के हक में करेंगे। एक और सवाल मैं पूछूंगी, जैसे इस कोरोना काल में सबकी जॉब्स चली गई हैं तो स्कूल की फीस तो दिल्ली सरकार ने काफ़ी उसके लिए कदम उठाए हैं, ट्यूशन फीस जा रही है, कॉलेजेस का भी जो फीस है क्योंकि सेमी प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं जैसे IP यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस जो अंडर आते हैं तो उसके लिए कोई कदम उठाया जा रहा है क्योंकि वो कॉलेजेस जो हैं वो पूरी फीस चार्ज कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के अंदर सिर्फ ट्यूशन फीस का प्रबंध किया है, इसके अलावा फीस नहीं ले सकते। कॉलेजों के अंदर भी दिल्ली सरकार का ऑर्डर है कि किसी बच्चे को फीस ना देने की वजह से कॉलेज से ना निकाला जाए, उसकी ऑनलाइन क्लास बंद ना किया जाए, जब बच्चे के पास सुविधा होगी उस समय वो दे देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे सुशील गुप्ता जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के, जिन्होंने हमें बताया कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सरकार से और वो क्या क्या आगे चाहते हैं और कोरोना काल में वो किस तरह हमारी मदद करें हैं। धन्यवाद।